पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदः व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमः श्री शङ्करानन्द श्रीपादाम्बुजन्मने विलास महामोह काश शैककर। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अच्छा, हम लोग स्वामी विद्यारण्य मुनि प्रणीत पंचदशी ग्रंथ के तृतीय प्रकरण है, पंचकोश विवेक प्रकरण। इसमें 17 नंबर श्लोक पर्यंत विचार किया। जिस आत्मा का विवेक करना है पंचकोश से, वो साक्षी स्वरूप है। सारे दृश्यमान पदार्थ उसको प्रकाशित करने वाला है, और जो किसी से प्रकाशित ना करे ना हो। एते संप्रकाशे अवैद्यत्व सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यतम। और अपने आप को भी प्रकाशित नहीं करता है। अपने आप को ही प्रकाशित करेगा तो स्वप्रकाश्य हो जाएगा, वो प्रकाश स्वरूप नहीं होगा। एक में स्वप्रकाशत्व और स्वप्रकाशकत्व नहीं होता है, कर्म कर्तृत्व का विरोध होता है। समझ में आएगी नहीं? अब दूसरे के कंधे पर चढ़ेगा बच्चा, अपने कंधे पर कैसे चढ़ेगा? अपने कंधे पर बच्चा बोला कि पिताजी आपके कंधे पर चढ़ता हूँ। बाप ने कहा कि तुम अपने कंधे पर चढ़ो। अपने कंधे पर कैसे चढ़ेगा वो? इसी प्रकार जो है ना, संप्रकाश जो आत्मा है ज्ञान स्वरूप, वो तो दूसरे को प्रकाशित करता है। अपने आप को प्रकाशित करने की आवश्यकता ही नहीं है। अपने आप को यदि प्रकाशित करेगा तो प्रकाश से पहले क्या मानना पड़ेगा? फिर अप्रकाश मानना पड़ेगा, फिर तब तो प्रकाश से होगा। ठीक है। अच्छा, ये 17 नंबर में कहा कि स्वस्यापि गेयत्वे। देखो, क्षणिक विज्ञानवादी तो मानते हैं स्व से गेय होगा। उनका जो क्षणिक विज्ञान का प्रकाशत्व क्या है? स्वप्रकाशत्व, जो किसी से प्रकाशित ना हो लेकिन अपने आप को प्रकाशित करे, ये उनका क्षणिक विज्ञान का स्वप्रकाशत्व है। ठीक है। लेकिन हम लोग वेदांती है, क्षणिक विज्ञानवादी नहीं है। ठीक है। इसलिए कहा स्वस्यापि ज्ञात्वे कर्म कर्तृत्व विरोधाच्च इति भाव, ये तात्पर्य हुआ। ठीक है भाई। उसके बाद देखो 18 नंबर श्लोक के ऊपर अवतरण है टीका में। अवतरण भूमिका, आत्मनः स्वप्रकाशत्वे। आत्मनः स्वप्रकाश, आत्मा है स्वप्रकाश, तो आत्मा के स्वप्रकाशत्व के विषय में प्रकाशत्व एव। देखो श्वेता सत्र में कहा गया स्वेत्ति स्वेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता। सारे वेद्य दृश्यमान जगत को जानता है, जानता मतलब प्रकाशित करता हो, है कि नहीं?
आपके प्रकाश से ही सब प्रकाशित हो रहे, आत्मा के प्रकाश से ही सब प्रकाशित हो रहे। सौ व्यक्ति हाँ परब्रह्म स्वरूप से अभिन्न जो आत्मा है वो व्यक्ति मतलब प्रकाशित करता है, ठीक है भाई। तो लेकिन प्रकाशित करता मतलब प्रकाश उसमें कोई क्रिया है ऐसा ऐसी बात नहीं, हाँ प्रकाशन करता है ये गौण प्रभुता है, प्रकाश उसका स्वरूप है। जैसे सूर्य प्रकाशित कर रहा है कि नहीं, तो सूर्य प्रकाश प्रकाश उसमें कोई क्रिया है क्या? प्रकाश उसका स्वरूप होता है, कोई क्रिया होती हो ऐसी बात नहीं, ठीक है। तो उसके तादात्म्य से वो प्रकाशित हो जाएगा पदार्थ, यही प्रकाशित करना और कुछ नहीं है, है ना। आत्मा प्रकाशमान है इसलिए उसके तादात्म्य होने मात्र से क्या हो जाएगा, सारा पदार्थ प्रकाशित हो जाएगा। उसकी सन्निधि मात्र से, कुछ करता नहीं आत्मा, उसकी सन्निधि मात्र से सारा पदार्थ का भान हो जाता है, समझ में कि नहीं। तो आपके अंदर कोई सुखाकार वृत्ति, आपको कुछ करना पड़ता है क्या? सुखाकार वृत्ति होते ही सुखाकार वृत्ति का भान हो जाता है, सुख का भान हो जाता है, होते कि नहीं होता है? कुछ करना पड़ता है नहीं, कुछ प्रयास करना पड़ता है क्या? उसका आत्मा का स्वभाव ही है, ये समझना पड़ता है, ठीक है। सब व्यक्ति उसको कोई जानता होगा, उसको कौन जानेगा, उसको कोई प्रकाशित नहीं करता। न जतस्यास्ति वेत्ता, उसको प्रकाशित करने वाला और कोई नहीं है। ये श्वेता सतर कहती है देखो, आत्मा के स्वप्रकाशित, तो आत्मा संप्रकाश है। क्यों संप्रकाश है मालूम है? वो अनुभूति स्वरूप है। वो क्या स्वरूप है? अनुभूति। आत्मा अनुभूति स्वरूप, अनुभव स्वरूप है वो। बस में जड़ होता तो उसको कोई प्रकाशित करता है ना, आत्मा अनुभूति स्वरूप ही हो, ठीक है। हाँ ये पहले बता दिया ना, पहले बताया कि नहीं, यम आत्मा, क्या यम आत्मा, ये संभित स्वरूप जो है ना वो आत्मा है। क्यों? अनुभूतित्व, क्या है वो? अनुभूति स्वरूप है, समझ में ना। सब बता दिया, ठीक है। जो अनु जो आत्मा नहीं है वो अनुभूति स्वरूप नहीं है। घर पटादी आत्मा है, अनुभूति स्वरूप है। जो आत्मा नहीं है वो अनुभूति स्वरूप नहीं होगा, उसको क्या कहेंगे? अनात्मा कहेंगे। मतलब जो अनात्मा होगा है कि नहीं, वो क्या क्या होगा? जड़ होगा, वो अनुभूति स्वरूप नहीं होगा, ठीक है। चलो ये तात्पर्य, अन्यतेव तत्विदितात् अथो अविदितात् अधि इति वाक्यद्वयमपि। ये देखो पहला कहा स्वतः सतर, सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वित्ता, हाँ। और ये भी है मंत्र कैन उपनिषद में आया, बड़ा सुंदर मंत्र आया, अन्न देव तत् विदितात्। देखो क्या बोलते हैं, विदितात् तत् अन्न देव। अरे देखो विदित कौन होता है? विदित जानते हैं विदित क्या होता है? वेद ज्ञान है ना, मतलब ज्ञान का विषय, ज्ञान का जो विषय होता है उसको बोलते हैं विदित। क्या कहते हैं? हाँ हाँ ठीक है। और जो विदित नहीं है, क्या बोल दिया? विदित से भिन्न है, विदित से जो विदित कौन होता है? ज्ञेय होता है, दृश्य होता है, उसको विदित कहोगे ना, ठीक है। अच्छा तो विदिता विदित से भिन्न है। अच्छा ओ केवल इतना नहीं, विदित नहीं होगा तो क्या होगा? अविदित होगा, ज्ञात नहीं होगा, अज्ञात होगा फिर, समझ में कि नहीं। देखो दिया अविदितात्, हाँ अधि, वो अविदित से भी भिन्न है। क्या है? अविदित से। देखो सुनो ठीक से, तो प्रकाश से युक्त हो गया घड़ा, सामने घड़ा है, प्रकाश से युक्त हो गया, चक्षु का संबंध हो गया, चित्त का संबंध हो गया, और घट क्या हो गया? ज्ञात हो गया। घट क्या हो गया? हाँ घटो मया ज्ञात, ये अनुभव होता है कि नहीं? घटो मया ज्ञात, घट को क्या बोलोगे? ज्ञात विदित हो गया, ठीक है।
अच्छा, और अंधकार हो गया, क्या हो गया? अंधकार हो गया। घड़ा तो है, घड़ा दिख रहा है तो क्या बोलोगे? नहीं, नहीं दिख रहा है तो घड़े को क्या बोलेंगे? ज्ञात है कि अज्ञात है? अज्ञात कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जो ज्ञात है, हाँ अज्ञात कहा जाएगा। ठीक है, अच्छा। तो जो ज्ञात होता है, जो कभी अज्ञात होता है, जो विदित होता है और जो कभी अविदित होता है, हाँ, वो आपसे भिन्न होगा कि आप ही होंगे? बात समझ में ना, ये विचार आया क्या ना? बड़ा सुंदर है। जो अपने से भिन्न होगा, क्या है? जो अपने से भिन्न होगा, कोई भी हो, जो अपने से भिन्न होगा, आत्मा से जो भिन्न होगा, वो कभी विदित होगा और कभी अविदित हो जाएगा। नहीं होगा, सारा संसार में ऐसे ही घटेगा। बात समझ में कि नहीं? हाँ, कभी ज्ञान का विषय होगा, कभी अज्ञान का विषय होगा। हाँ, घट को जानेंगे तो क्या हो गया? ज्ञान का विषय हो गया, घट ज्ञात हो गया। और नहीं जानते हैं तो क्या होगा? अज्ञान का विषय होगा। हाँ, तो अनात्मा होगा कि आत्मा होगा वो? हाँ, जो अनात्मा होता है वो तो कभी विदित होगा और कभी अविदित होगा। बात समझ में? ठीक है। और ये क्या बोल दिया श्रुति के अनुपरिषद में? जो विदित भी नहीं है और अविदित भी नहीं है, वो कौन होगा बोलो? अपना स्वरूप होगा वो। क्या? अपना जो स्वरूप है, कभी विदित है और कभी अविदित है, बताओ कब है सर? तो विदित कहेंगे तो पहले अविदित था, ये मानना पड़ेगा। अंधकार में घड़ा था, वो कैसा था? अविदित था। तब क्या हो गया अभी प्रकाश होने से? हाँ, आप समझ में कि नहीं? ठीक है। हाँ, लेकिन जो अपना स्वरूप है, हाँ, वो विदित भी नहीं है, अविदित भी। जो विदित नहीं है कभी और अविदित नहीं भी नहीं है, वो कौन होगा? अपना स्वरूप है ना, इसलिए वही संप्रकाश है। हाँ, आत्मा संप्रकाश होने से, सुन रहे हो ठीक से, आत्मा संप्रकाश होने से वो ना अविदित होता है ना विदित होता है। बस में ये समझना पड़ता है, मैं हूँ करके भान कब नहीं है? हमेशा है कि नहीं? क्या? हाँ, मैं हूँ करके भान कब नहीं है? हमेशा रहेगा। क्या रहेगा? हमेशा रहता है। ठीक है, ये विचार है कि उपनिषद में देखो, इति वाक्य द्वयम् अपि प्रमाणम, ये दोनों वाक्य भी प्रमाण है। किसके विषय में? आत्मा के स्वप्रकाशत्व के विषय में। इति मन्वानः, ऐसा मानते हुए कौन? आचार्य विद्यारण्य मुनि। ये कौन बोल रहे हैं? रामकृष्ण टीकाकार बोल रहे हैं। स्वामी विद्यारण्य मुनि ऐसा मानते हुए वाक्यद्वयम् अर्थतः पठति, ये देखो ठीक है, अर्थ से पाठ करते। ये दो मंत्र ने अभी बताया, श्वेता सतर और कैनोपनिषद, इस वाक्य का जो अर्थ है, तात्पर्य है, उस तात्पर्य को यहाँ पर दिखा रहा है। तात्पर्य को दिखा रहा है, देख लो। स वेत्ति वेद्यं तत्सर्वं, नान्यस्तस्यास्ति वेदिता, विदिता विदिताभ्यां तत्, विदिता विदिताभ्यां तत्, पृथक् बोधस्वरूपकम्। को कहते हैं सह वेत्ति वेद्यं तत्सर्वं, नान्यत् नान्यः तस्यास्ति वेदिता। जितने भी दृश्यमान पदार्थ है, जिसका निषेध करते हो नेति नेति करके, वो सारा दृश्यमान पदार्थ होता है। कौन मालूम है?
विचार करने पर घटपटादि जैसे दिखा जाता है, प्रकाशित हो रहा है घटपटादि। घटपटादि को जानते हो आप, ये घड़ा है, जानते हो कि नहीं? हाँ, घटपटादि दृश्य हो गया, आप क्या हो गए? दृक हो गए। आप क्या हो गए? दृक हो गए। नहीं, इस प्रकार विचार करेंगे, विवेक करेंगे तो शरीर भी मालूम पड़ता है, शरीर भी हो गया दृश्य। देखो सौ वेत्ति वेद्यम, वेद्यम का क्या अर्थ होता है? वेत्तुम योग्यम वेद्यम, योग्य अर्थ में, विषय अर्थ में होता है, ज्ञान का विषय। वेद्य का अर्थ होता है ज्ञान का विषय, वेदनीय है ना। तो वेदनीय जितने भी है वो सबको जानता हो, प्रकाशित करता हो। शरीर भी जाना जाता है, नहीं क्या जाना जाता है? शरीर भी। देखो कैसे, घटपटादि से आरंभ करो। तो ये घड़ा है, क्या है? ये घड़ा है। तो घट का भान हुआ कि नहीं? घट हो गया, गया नहीं। अच्छा, जिस समय घट का भान होता है, जिस समय घट का भान होता है उस समय घट ज्ञान का ये भान होता है कि नहीं होता है? नहीं, अगले बोलते नहीं, घट का भान पहले होता है और घट ज्ञान का भान बाद में होता है। उसको बोलते हैं अनुव्यवसाय। क्या बोलते हैं? अनुव्यवसाय। सुनते हैं, पहले व्यवसाय हुआ, ये घड़ा है, इसको बोलते व्यवसाय बोलते हैं उसको, उसके बाद ज्ञान होता है। अहम घटम जाना भी नैया के लोग बोलते हैं, इसको अनुव्यवसाय ज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अनुव्यवसाय ज्ञान, घटम अहम जाना भी। हाँ, हम लोग बोलते हैं ऐसा नहीं, तुम लोग विचार नहीं करते हो, केवल तर्क करते हो। हाँ, जिस समय घट का भान हुआ, विचार करो, जिस समय घट का भान हुआ उसी समय आपको संशय है क्या कि ज्ञान मुझे हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, संशय है आपको क्या? पक्का है? जिस समय सुख हुआ आपको, हाँ, सुख हुआ कि नहीं हुआ, संशय होता है क्या? नहीं होता है ना। ठीक इसी प्रकार से जिस समय घट का भान हुआ उसी समय घट का ज्ञान मुझे हुआ कि नहीं हुआ, संशय होता है? नहीं होता है ना। तो इसे क्या सिद्ध हुआ? जिस समय घट भासता है, घट का ज्ञान होता है, उसमें घट ज्ञान का भी भान होता है, उसी समय युगपत हो जाएगा। ठीक है, वो साक्षी है। क्या है? साक्षी से घट ज्ञान का ये भान हो जाता है ना। इसलिए कोई पूछेगा घट का ज्ञान आपको हुआ तो क्या बोलोगे? हाँ, घट का ज्ञान मुझे हुआ। तो कौन कौन भाषित हुआ? घट भी हुआ, घट ज्ञान भी हुआ, और कौन है? प्रमाता चिदाभास। कौन है? अंतकरण, जो अवचिन्न चेतन को, विशिष्ट को, प्रतिबिंबित को, जो कहना को है ना। तो अंतकरण उपाधि में रहने वाला जो चेतन है चिदाभास, उसको बोलते हैं प्रमाता। क्या बोलते हैं? उसका ये भान हो गया, उसका अभी आगे विचार आएगा। ठीक है, वो चिदाभास जो प्रमाता है उसे घट ज्ञात हो गया। क्या हो गया? ज्ञात हो गया। ज्ञातत्व एक धर्म आता है, क्या आता है? लेकिन जो घट का जो भान, घट ज्ञान का जो भान हो रहा है, अब कैसे घट का भान हो रहा है? ज्ञात घट का भान हो रहा है। कैसे घट का? बुद्धि में बैठाना पड़ेगा। घट मया ज्ञात, घटो मया ज्ञात, मतलब घट जाना गया, मतलब क्या हुआ? हाँ, ज्ञात घट को आपने जाना। किस घट को जाना? केवल घट को नहीं, मतलब क्या? ज्ञात तो विशिष्ट घट को जाना आपने। किस घट को जाना? हाँ, ठीक है। हाँ, तो हाँ, इसको कौन प्रकाशित किया? ज्ञात घट को। चिदावास तो खत्म, उसका काम खत्म हो गया। हाँ, घट का प्रकाश हो गया, कैसे भान होगा? अयम घट है ना। अब उसी समय भान होता है, किस समय? जिस समय घट का भान हुआ उसी समय ही भान होता है। किसका? ज्ञात घट का भान होता है, उसी का नाम साक्षी है। वो है असली आत्मा। असली आत्मा कौन? वो असली आत्मा, वही अपना स्वरूप है, उसी को अहम अहम ब्रह्मास्मि अहम पद से कहा गया, उसी को तत्त्वमसि से तम पद को कहा गया, चिदावास को नहीं। ये समझना पड़ता है।
हाँ, अपने को चिदाभास समझ रहे हो और मैं ब्रह्म हूँ ऐसे नहीं। वो ब्रह्म को वो कभी ब्रह्म का भान नहीं हो सकता, उसको उसमें एकत्व तो नहीं होता है। ब्रह्म के साथ चिदाभास का एकत्व तो नहीं होता है, लक्षार्थ के साथ होता है, ये समझना पड़ता है। इसलिए तो विवेक चल रहा है कि आप कौन हो ये पहले निश्चय करो। तब किससे विवेक करना है? जैसे घट दृश्य से विवेक करना है, उसी प्रकार घट ज्ञान से ही विवेक करना है। वो घट ज्ञान क्या है? वृत्ति है। घट ज्ञान क्या है? घटाकार वृत्ति है। घट के साथ चित्त का संबंध हुआ तो चित्त में घटाकार वृत्ति हुई, वृत्ति में चेतन की अभिव्यक्ति हुई, चिदाभास से युक्त वृत्ति हुई, घटाकार वृत्ति, उसको ज्ञान ज्ञान बोल देते हैं। ठीक है, हाँ, वो अनित्य दृष्टि ज्ञान है। उसको जो प्रकाशित कर रहा है, घटाकार वृत्ति को जो प्रकाशित कर रहा है, वो है साक्षी। वही तम पद का लक्षार्थ है, वही अम पद का लक्षार्थ है। समय तीनों को प्रकाशित करेगा, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय तीनों एक साथ प्रकाशित हो जाएंगे। कौन कौन? ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, प्रमाता प्रमाण प्रमेय। बस समय जिस समय घट का भान हुआ उसी समय घट ज्ञान का ही भान होता है, पर प्रमाता चिदाभास का ही भान होता है, वही मैं हूँ। मेरे से तीनों प्रकाशित हो रहे, विवेक करना पड़ता है। जितना विचार की सूक्ष्मता होती जाएगी वो तीनों भास जाएगा। जैसे घट दृश्य के रूप से है कि ना, अपने को घट से भिन्न समझ रहे हो, मान रहे हो, अनुभव हो रहा है, इसी प्रकार ज्ञान भी हो जाएगा। कौन ज्ञान? वृत्ति रूपी ज्ञान। कौन? अप्रमाता के हो जाएगा। जैसे है ना, मैंने कहा मेरे से घट जाना गया, मैं घट को जान रहा हूँ, ये जो अहम कह रहे हो ना, वो तो अहंकार वृत्ति विशिष्ट है, वो चिदावास है। हाँ, वो कौन है? चिदावास। सुन रही बात को? ऐसा होता है, अहंकार वृत्ति जब तक है वो तब तक वो चिदावास रहेगा। क्या? अहंकार वृत्ति जब तक है वो तब तक चिदावास रहेगा। सुन रहे हो कि नहीं? और सुषुप्ति में जाते हैं तो अहंकार वृत्ति नहीं रही, अहंकार वृत्ति नहीं रही तो चिदावास रहेगा नहीं रहेगा ना। तो जब वृत्ति नहीं रही तो दोनों एक हो जाते हैं। क्या? दोनों एक हो जाते हैं। कौन? साक्षी। और कौन? अपर नहीं, परमात्मा। दोनों क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। समझ में बात को? एक तो होते हैं लेकिन वहाँ पर ही भान नहीं होता कि मेरा स्वरूप तो परब्रह्म है है ना। तो कौन है वहाँ पर? मूला विद्या है। क्या है? मूला विद्या। मूला विद्या होने के कारण स्वरूप के एकत्व का भान नहीं हो पाता। एक तो होते हैं, बात समझे? ठीक है, ऐसा होता है। और अहंकार वृत्ति नहीं है, मनोवृत्ति नहीं है, है ना, इसलिए विक्षेप वहाँ पर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? विक्षेप वहाँ पर नहीं होता है। कहाँ पर? सुषुप्ति काल में। ये हाँ, ये कहना है कि ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ये तीनों को लेना है वेद्य शब्द से। यहाँ पर जो है ना, स व्यक्ति वेद्यम, सह कौन? वही परमात्मा से अभिन्न जो साक्षी स्वरूप है, संप्रकाश जिसका चल रहा है, वो वेद्यम वेत्ति है। सारे वेद्य को, सारे वेद्य को प्रकाशित करता है। ठीक है, युगपत करेगा। हाँ, तर्क की तरह नहीं, युगपत। घट का भी हो जाएगा, घट ज्ञान का भी हो जाएगा, चिदाभास का भी हो जाएगा, सब दृश्य। ठीक है भैया। और बोलते हैं जो सबको प्रकाशित कर रहा है उनको कौन प्रकाशित करेगा? बोलते नहीं, न अन्यस्तस्य अस्ति वेदिता। उसको कोई प्रकाशित करने वाला नहीं है। प्रकाशित करने वाला हो तो क्या होगा? अनवस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनवस्था। सुन रहे हो? हाँ, दृश्य को प्रकाशित किया साक्षी, और साक्षी को प्रकाशित किया और कोई हो, उसको फिर और कोई होगा, उसको और कोई होगा, तो क्या होगा? अनवस्था दोष हो जाएगा। या नैया के लोग भी अनुव्यवसाय को संप्रकाश मानते हैं। क्या है? अनुव्यवसाय को संप्रकाश मानते हैं, और वही हमारे साक्षी है। अनुव्यवसाय कोई जो है ना साक्षी से अतिरिक्त हो ऐसा नहीं है। फिर अप्रामाणिक है, ज्ञान के बाद, हाँ ज्ञान के बाद अनुभव ऐसा होगा ऐसा नहीं ऐसा
है, वो नित्य है, वो साक्षी क्या है, नित्य है ना। घटाकार वृत्ति हो या वृत्ति ना हो, आपका स्वरूप रहेगा कि नहीं रहेगा। घटाकार वृत्ति को भी जानते हो, और घटाकार वृत्ति जिस समय नहीं है तो उसमें भी नहीं जानते हो। समझ बात को, घटाकार वृत्ति हो तो कैसा बोलोगे, हाँ घट को मैंने जाना, और घटाकार वृत्ति नहीं हो तो घट को मैंने नहीं जाना। मतलब किसको जाना आपने, अज्ञात घट को जाना, अतः वृत्ति के अभाव को जाना आपने। आप समझे कि नहीं, चाहे ज्ञात घट हो चाहे अज्ञात घट हो, साक्षी तो प्रकाशित तो करेगा ही करेगा, आपका प्रकाश स्वरूप तो रहेगा ही रहेगा। समझ में, घटो मया अज्ञात अथवा अहम घटम न जानामि, अहम घटम जानामि कहो अथवा अहम घटम न जानामि। आप दोनों को प्रकाशित किया कि नहीं किया, किसको, अज्ञात घट को भी किया अथवा ज्ञात घट को भी किया, तो आपका प्रकाश स्वरूप कभी जाएगा नहीं, वो तो हमेशा रहेगा। समझ में बात को, ऐसा होता है, चाहे विशिष्ट ज्ञान हो या ना हो, विशिष्ट ज्ञान हो या ना हो, आपका स्वरूप तो रहेगा। विशिष्ट ज्ञान कहाँ पर हो रहा है, विशिष्ट ज्ञान हो रहा है जागरण सपना में। क्या समय है, विशिष्ट ज्ञान कब होता है, जागरण सपने में विशिष्ट ज्ञान होता है। नहीं, क्यों होता है, क्योंकि विक्षेप प्रधान अविद्या होने से, क्या होने से, विक्षेप प्रधान अविद्या, उसको आगंतुक अविद्या भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, आगंतुक अविद्या भी कहते हैं, कहीं कहीं उसको तुला विद्या भी कहते हैं। किसको, विक्षेप प्रधान अविद्या को कहीं कहीं तुला विद्या भी कहते हैं, कहीं कहीं हाँ आगंतुक अविद्या भी कहते हैं। वो कहाँ पर है, जागृत में और स्वप्न में, हो गया। उससे क्या होता है, उससे कामना की अभिव्यक्ति होती है। क्या होती है, कामना की अभिव्यक्ति होती है। सुन रहे हो, हाँ, सारा दृश्य मान प्रपंच दिखाई देता है फिर, है ना, ठीक है। अब विशिष्ट ज्ञान हो गया, जागृत में हो रहा है, सपना में हो गया, बात समझ में, ठीक है। और जब ज्ञान होता है, हाँ, ज्ञानी को जब ज्ञान होता है, ठीक है, तो उसका बाद हो गया, क्या हो गया, बाद, जागृत में सबका बाद हो गया, विक्षेप प्रधान अविद्या का बाद हो गया। बाद होने से विशिष्ट ज्ञान तो होता है ज्ञानी को भी, लेकिन उनके लिए क्या होता है, बाधित तो होता है। क्या होता है, सुन रहे हो, क्या होता है, कैसे होता है, जैसे सुन लो, पहले बताया ना नारायण, प्लास्टिक में सर्प आपको दिखाई दे रहा है, प्लास्टिक से बना हुआ आपको सर्प दिखाई दे रहा है। अब अज्ञान अवस्था में क्या समझ रहे हो, उसको सर्प वास्तविक समझ रहे हो, नहीं, तो सर्प को जो वास्तविक समझ रहे हो, सर्प का ज्ञान भी क्या हुआ, वो भी वास्तविक हो, समझ रहे हो ना, वास्तविक नहीं है, समझ रहे हो, ठीक है। और जब आपको ज्ञान हो गया, अरे भाई तो प्लास्टिक ही प्लास्टिक है, सर्प नाम की चीज नहीं है ये, फिर भी सर्प की तरह दिखे तो देगा, क्या सर्प की तरह दिखाई देगा, समझ रहे हो, हाँ। तो सर्प की तरह भी दिखाई दे रहा है, सर्प की तरह भान भी हो रहा है, दोनों है, दोनों है ना, तो दोनों में से सत्य कौन, क्या समझ, हाँ वह दोनों मिथ्या है। क्या सर्प जब वास्तविक नहीं है तो सर्प का ज्ञान क्या वास्तविक होगा, लेकिन रहेगा कौन, रहेगा केवल, हाँ, प्लास्टिक, क्या रहेगा, प्लास्टिक ही शेष रहेगा। अब प्लास्टिक का जो ज्ञान हो रहा है वो वास्तविक ज्ञान है, क्या ज्ञान है, वो तो जड़ की बात हुई, दृष्टांत के बोला, प्लास्टिक है, प्लास्टिक का ज्ञान वो वास्तविक है, बाकी सर्प दिखाई दे रहा है, सर्प का भान भी हो रहा है, दोनों को जानते हैं कि दोनों है, वास्तविक है नहीं, सुन रहे हो, हाँ। इसी प्रकार ज्ञानी कभी दाल भी मांगेगा, दाल कम है तो क्या, सूखा सूखा चावल खाएगा क्या, क्या सूखा सूखा चावल खाएगा, दाल भी मांगेगा, हाँ, ऐसा नहीं कि दाल दाल को पहले पी लेगा, सूखा चावल को बाद में खाएगा, ऐसा है क्या, ऐसा नहीं ना है। लेकिन पहले जैसा भान हो रहा था, भाई ये दाल है, चावल है, ये है, ये है, सत्य के रूप से सर्प की तरह, ऐसा ज्ञान के बाद नहीं होता है उनको, सत्य बुद्धि
नहीं होती, बाद में जैसे होता है ना सर्प है ना, सर्पों का ज्ञान वास्तविक है। इस बगैर ज्ञान ब्रह्मा का साक्षात्कार हो जाने पर सारा प्रपंच दिखाई दे रहा है ना, प्रपंच सत्य है ना प्रपंच का ज्ञान वास्तविक सत्य है, समझना, ये होता है। इसलिए ज्ञानी के स्वरूप को जानना, ज्ञानी के अनुभव को जानना इतना आसान नहीं है। कैसे जानोगे, जो गुड़ कभी खाया नहीं है, हाँ गुड़ मधुर होता है तो कैसे वर्णन करोगे मधुर क्या होता है, बोलो। मधुर होता है बस इतना ही बोल सकते हो, ठीक है, ऐसे होता है। चलो, न अन्यस्तस्यास्ति वेदिता, उस स्वयं प्रकाश साक्षी को प्रकाशित करने वाला भी कोई नहीं है, ये प्रश्न चल रहा है, ठीक है। हाँ अच्छा, श्रुति बोलती है केन उपनिषद में गया विदिता वेताभ्याम तत्पृथक तत्पर ब्रह्म आत्मस्वरूप जो स्वयं चैतन्य स्वयं प्रकाश चैतन्य वो पृथक है। पृथक किससे पृथक है, विदित और अवे दोनों से पृथक, ठीक है भी। पंचमी का द्विवचन करो, वेता वेताभ्याम, हाँ पृथक के योग में क्या होती है, पंचमी विभक्ति होती, पृथक कहो बिना कहो उसे पंचमी विभक्ति हो जाती है, ठीक है। विदित हो गया ज्ञात, हाँ जो ज्ञात भी नहीं विदित भी नहीं और हाँ है, तो विदित और अविदित कौन होता है, जो अनात्मा होता है आपसे जो भिन्न होगा वो कभी विदित होगा और कभी अविदित होगा। सुन रहे हो, ये शरीर आपके पास है, ये शरीर है कहाँ विदित है कि अविदित है, क्या हो गया बोलो, हैं सारा प्रपंच है, हाँ है कि नहीं, वो कभी विदित होगा तो कभी जागृत में विदित हो रहा है, और स्वप्न में जाते हैं तो क्या, स्वप्न में जाते ये दिखता है क्या, बोलो नहीं दिखता ना, जिस शरीर को इतना सजाते हो ये दिखता है क्या स्वप्न में, नहीं दिखता, वो क्या वहाँ पर क्या हो गया, अविदित हो गया, है कि नहीं। वहाँ पर जो विलक्षण शरीर हो गया वहाँ पर है ही नहीं है तो अविदित हुआ ना, है ही नहीं है, वो स्वप्न का शरीर है, वो स्वप्न का शरीर हो गया ना, वो जी दिखाई दे रहा है वो स्वप्न का शरीर है, ये शरीर नहीं है। और सुसुप्त में जाया तो वो भी नहीं रहा, वो भी नहीं, स्वप्न का शरीर भी नहीं रहा। तो कहना ये तो ये व्याप्ति है, जो अनात्मा होगा वो कभी विदित होगा और कभी अविदित होगा, और जो विदित भी नहीं है और अविदित भी नहीं है वो कौन होगा, वो अनात्मा होगा कि आत्मा होगा, वो आत्मा होगा। श्रुति कहती है कि अन्न देव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि, किसी को कह दिया श्लोककार ने वेता वेताभ्याम तत्पृथा, तत् कौन, वही जो परब्रह्म है जिसका प्रपंच चल रहा है चेतन संप्रकाश, और कौन है भाई, बोध स्वरूपकम, ये देखो बोध स्वरूपकम, बोध स्वरूपम यस्य, जिसका स्वरूप बोध है, क्या स्वरूप है, बोध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप, गया स्वरूप नहीं है, गया स्वरूप नहीं, जो गया हो जाएगा क्या होगा भाई, बुद्धि में बैठा हो, जो गया हो जाएगा वो क्या होगा, अनात्मा हो जाएगा, और कभी विदित होगा और कभी हो जाएगा, ठीक है, कभी जाना जाएगा कभी नहीं जाना जाएगा, सुन रहे हो, ऐसा होता है। और वेदांत क्या करता है फिर, वेदांत ये करता है कि अपना स्वरूप का भान जो विशेष रूप से नहीं हो पा रहा है, क्या समझ, विशेष रूप से जो नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण आवरण के कारण, वो आवरण को केवल वेदांत हटाता है, सुन रहे हो, जिसमें आत्मबुद्धि आपको हो रही है, हाँ उससे हटाने के लिए ये शास्त्र का, शास्त्र की प्रवृत्ति और कुछ नहीं, आत्मा को प्रकाशित करता होगा ऐसा नहीं, ठीक है। कचड़ा को हटाना है, क्या करना है, कचड़े को हटाना, इसलिए कहा ना वहाँ पर मांडुके में, हाँ एकात्मा प्रत्यय सारम, क्या कहा, हाँ मैं कहा ना यही कहा भाई, सबको जब हटा देंगे तो आपको ये साधन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा,
सबको जब हटा देंगे, जिस जिस कचड़े के साथ आपने तादात्म्य करके रखा है ना, उसको हटा दो, बस उसको क्या कर दो, हटा दो, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, सब हटा दो बस। सुन रहे हो? हाँ, जब हटाने मात्र से ही बस उसका विशेष रूप से भान हो जाएगा, ठीक है ना। जागृत से मेरा कोई संबंध है ना, सपनों से कोई संबंध है ना, सुषुप्ति से भी कोई संबंध, ये तो आने वाले जाने वाले है, मैं तो सबको प्रकाशित कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा टीका देख लो, है स आत्मा, देखो स आत्मा यद यद वेद्यम तत्, एक ही है, ज्ञान कह लो बोध कह लो एक ही है भैया, है ना, ज्ञान और बोध तो एक ही है। तो ज्ञान के अपेक्षा बोध करने से और जल्दी समझ में आता है, सुन रहे हो क्या? ज्ञान का ज्ञान के अपेक्षा बोध करने से और सरल समझ में आता है, ठीक है ना। हाँ, मतलब संप्रकाश जो है चेतन वो है बोध, यहाँ पर कहा गया, ये घट ज्ञान पट ज्ञान की तरह नहीं, क्या समझ आया? जो जो बिना प्रमाण से ज्ञान होता है वो हो गया बोध, सुन रहे हो नारायण? जो प्रमाण से ज्ञान होता है उसको ज्ञान भी कह सकते हो, जो प्रमाण से हो रहा है, और जो बिना प्रमाण से हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? बोध, ये समझ लो आप, हाँ ये कहने का अभिप्राय है, ठीक है। आत्मा का जो भान होता है वो क्या प्रमाण से होता है क्या? नहीं। बिना प्रमाण से, क्या समझ है? बिना प्रमाण, प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है, सुन रहे हो? ये बोध स्वरूप का अर्थ है, ठीक है। इसी को कहा साक्षात अपरोक्ष का, क्या कहा? जो प्रमाण से ज्ञान होगा वो अपरोक्ष तो कह सकते हो उसको, लेकिन साक्षात अपरोक्ष नहीं। साक्षात अपरोक्ष का मतलब क्या है? जो प्रमाण बिना प्रमाण से जो भान होता हो उसको क्या बोलते हैं? यस साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म कहा गया, उसी को यहाँ पर बोध शब्द से कहा गया, ठीक है। चलो टीका देख लो, स आत्मा, हाँ स शब्द से क्या लाना है? आत्मा, श्लोक में स उसी क्या लेंगे? आत्मा, यद यद वेद्यम तत् तत् सर्वम वेद्यम वेत्ति, है देखो लिख दिए, जो कुछ भी वेद्य होता है, जो कुछ भी वेद्य होता है, दृश्य होता है, वो सबको आत्मा क्या करता है? प्रकाशित करता है, सारे संसार को जो सूर्य प्रकाशित कर रहा है, और सूर्य का ही भान किससे हो रहा है? आपसे हो रहा है, हाँ अयम सूर्य, सूर्य का भान हो रहा है कि नहीं? सूर्य बहुत प्रकाशमान है, ये किससे भान हो रहा है? आपसे हो रहा है, ठीक है। और आपका भान किससे हो रहा है बोलो? सूर्य से, जिसमें सूर्य नहीं है कहाँ पर नहीं है? रात में, रात में, हाँ किससे हो रहा है? स्वयं से कि नहीं? बोले चंद्रमा, बोले अमावस्या में कहाँ चंद्रमा है? अमावस्या में कहाँ चंद्रमा है? ना सूर्य का प्रकाश है ना चंद्रमा का प्रकाश है कि नहीं भैया? बोले अग्नि करेगा, रात में अग्नि कर लेता, आज जिसमें अग्नि नहीं है उसमें कौन कर रहा है? ऐसी अवस्था कहाँ? स्वप्न ले लो, ऐसी अवस्था कहाँ है? ना सूर्य का प्रकाश, ना चंद्रमा का, ना अग्नि का, फिर भी आत्मा का भान हो रहा है, सारा प्रपंच दिखाई दे रहा है, वहाँ पर सूर्य भी दिखाई दे रहा है, तो वो तो सूर्य, ये वाला सूर्य है ही नहीं वो, ठीक है। चलो अब नैया के लोग बोले मन करेंगे, क्या बोलेंगे नैया के लोग? मन बोलेंगे ना, अरे मन तो स्वयं ही दृश्य हो गया, मन स्वयं ही प्रपंच हो गया ना, तो मन कैसे करेगा आत्मा को? मन क्या बन गया? मन ही सूर्य बन गया स्वप्न में, वो सूर्य कौन है? मानस तो है और क्या है? तब मन ही जब सूर्य हो गया वो क्या करेगा आत्मा को प्रकाशित? समझ में ही बात को? चलो तस्य आत्मनोवेदिता ज्ञाता अन्यो नास्ति, जो सबको प्रकाशित कर रहा है उसको जानने वाला कोई वेदिता ज्ञाता है ही नहीं दुनिया में, संसार में, ठीक है। इसलिए क्या तात्पर्य हुआ भाई? तद्बोध स्वरूपकम ब्रह्मा, जिसका स्वरूप बोध है, साक्षात अपरोक्ष स्वरूप है, बोध से क्या लेना है? प्रमाण जन्य ज्ञान नहीं, साक्षात अपरोक्ष स्वरूप, उसको कह दिया बोध, ठीक है। ऐसा बोध स्वरूप किसका है? ब्रह्म का है, मतलब ब्रह्म
साक्षात अपरोक्ष बोध स्वरूप है वो। हाँ, उसको क्या बोल दिया था श्लोक में, विदित अविदिताभ्याम तत्पृथक। देखो यहाँ पर कह रहे हैं इसका अर्थ, विदितम, विदित का अर्थ होता है ज्ञानेना विषय कृतम, ज्ञान से जो विषय होता है ठीक है उसको बोलते हैं विदित। ज्ञान से विदित कौन है? हाँ, घट है कि घट का ज्ञान भी है? हाँ, ये समझना है, केवल घट ही विदित तो ऐसी बात नहीं, घट का ज्ञान भी वृत्ति रूपी ज्ञान, वृत्ति रूपी ज्ञान को ये प्रकाशित करते हो, ये बोलते हैं घट, घट का ज्ञान मुझे हुआ। तो घट का ज्ञान मुझे हुआ बोले घट का भी भान हो रहा है, घट ज्ञान का ही भान हो रहा है, समझ में बात। हाँ, फिर ज्ञान न कहने से साक्षी रूप ज्ञान है ना, साक्षी रूप ज्ञान है ना विषय कृतम, ठीक है। और अविदित का अर्थ क्या होता है? अज्ञान है ना आवृतम, जो अज्ञान का विषय हो उसको क्या बोलते हैं? अविदित। हैं, तो अज्ञान का विषय आत्मा भी है क्या? है, आत्मा के स्वरूप को अज्ञान आवृत नहीं करता है? हाँ, तब तो अविदित आत्मा भी हो गए। आप कह रहे हो अविदित से भी पृथक है, तो आत्मा अविदित तो नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? क्या बोलो? आत्मा, हाँ हाँ, तेना मुह्यंत जनता वो, तो आत्मा भी अविदित तो हुआ कि नहीं हुआ? आप कैसे कह रहे हो अविदित से ही भिन्न, क्या समझ? हाँ, तो देखो सुनो, आत्मा को अज्ञान आवृत करता है, बोलो करता है कि नहीं करता है? हाँ, यदि कर लेगा तो अज्ञान का भान किससे होगा? तो फिर कहाँ आवृत किया? बोलो, अज्ञान यदि आत्मा को ढक दे, अज्ञान को यदि आत्मा को ढक दे, अज्ञान का भान किससे होगा? तो फिर आत्मा कहाँ आवृत हुआ? ये भ्रांति है, क्या है ये? हाँ, जैसे दृष्टांत देते ना, हाँ वहाँ पर हस्तामल का श्लोक में है ना, ये घना छन्न अर्का घना छन्ना दृष्टि ही कहते कि नहीं, जैसे मेघ मेघ ढक दिया सूर्य, क्या बोलते हो? मेघ सूर्य को ढक दिया, मेघ यदि सूर्य को ढक दिया तो मेघ का प्रकाश किससे हो रहा है? मेघ जो दिखाई दे रहा है कि नहीं, मेघ किससे दिखाई दे रहा है? तो सूर्य कहाँ ढका फिर? तो ढकती कौन? दृष्टि, अपनी दृष्टि है ना, वो उसके सामने मेघ आ गया। आप सोची बात को, आत्मा के स्वरूप को वास्तविक अज्ञान आवृत नहीं कर सकता है। अरे जो जिसके प्रकाश से अज्ञान भास भान हो रहा है उसको कैसे आवृत करेगा वो? बात समय? उसका विशेष रूप से भान नहीं हो पाता है, क्या समय? पहले विचार आया ना, क्या विशेष रूप से भान नहीं हो पाता है कि मेरा स्वरूप तो आनंद ही आनंद है, बस ये विशेष भान है, क्या समय? मेरा स्वरूप तो आनंद ही आनंद है, आनंद अतिरिक्त मेरे से कहीं है ही नहीं, सुनते हो? ये वास्तविक ज्ञान है, ऐसा भान नहीं होने देता, ये अज्ञान है। लेकिन आत्मा के स्वरूप आनंदता का भान होता ही नहीं है, करने ही नहीं देता, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। यदि होता तो आत्मा से प्रेम ना होता, क्या आत्मा से परम प्रेम ना होता? तो आत्मा से परम प्रेम है कि नहीं, बोलो? है, इसका मतलब अज्ञान आत्मा के स्वरूप को सर्वथा नहीं ढक सकता, क्या समझ? सर्वथा नहीं ढक सकता, समझ में बात को? इसी पे का तीनों में ले लो, हैं क्या? हाँ बोलो। क्या कहा? हाँ सही है, सही है।
हाँ झूठ है, सही है, बिल्कुल है। अज्ञान भी तो कल्पित है ना, भ्रम तो झूठा ही है। समझ में कि नहीं, ये विचार करना पड़ता है। विचार जब करेंगे तो आपको लगेगा है ना कि अज्ञान वास्तविक नहीं है, वास्तविक ढकता नहीं है। ये दृष्टांत भी ये कहा गया आपको, मेघ का दृष्टांत दिया गया, ठीक है। ये विचार करने से लगेगा आपको कि सर्वता नहीं ढक सकता अज्ञान, ठीक है, क्योंकि अज्ञान स्वयं कल्पित है और कल्पित पदार्थ का भान अपने से नहीं होता है। क्या समझे, अपने से कल्पना की गई अज्ञान का भान अपने से नहीं होगा, आत्मा से होता है। किससे होता है? आत्मा से होता है। समझ में बात को ये समझना पड़ता है। अच्छा, इसी बगैर केवल आनंद अंश में नहीं है, इसी बगैर सत्यत्व में भी होता है, चैतन्य में भी होता है, तीनों में होता है। किस में होता है? तीनों में होता है। चलो देखा जाएगा। इसलिए अविदितम अज्ञानेन आवृतम ताभ्याम पृथक विलक्षणम, तो आत्मा विदित से ही भिन्न कह दिया, अविदित से भी भिन्न कह दिया। वो कौन है भैया? हाँ, वही आत्मा स्वरूप है। समझे बात को? हाँ, इसलिए जो विदित, जो कभी विदित होगा और कभी अविदित होगा, वो कौन होगा? अनात्मा होगा। वो कौन होगा? अनात्मा हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो भाई ऐसा क्यों, जो कभी विदित भी नहीं होता है, जो विदित से भिन्न है और अविदित से भिन्न, ऐसा क्यों? हेतु तो बताओ, कारण क्या है? कारण क्या है कि आत्मा विदित से ही भिन्न है और अविदित से भी भिन्न, कारण क्या है वो तो बताओ। तो टीकाकार, देखो टीकाकार लिखते हैं, टीकाकार लिखते हैं कि बोध स्वरूपत्वात एव इत्यर्थ है। देखो ये हेतु हो गया, जो आत्मा बोध स्वरूप है ना, क्या है? आत्मा बोध स्वरूप है, संप्रकाश है। जो संप्रकाश होगा वो कभी विदित होगा, कभी अविदित होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है। तात्पर्य ये निकला, जो बोध स्वरूप नहीं होगा वो कभी क्या होगा? विदित हो जाएगा और कभी अविदित हो जाएगा। ये तात्पर्य, तात्पर्य क्या निकला? आत्मा बोध स्वरूप होने से संप्रकाश है, ठीक है। तो बोध स्वरूप होने से संप्रकाश है, इसलिए आत्मा ना विदित है ना अविदित होता है, ठीक है। आगे 19 नंबर में आगे का विचार कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमदः पूर्णस्य पूर्णमादाय।